कोरोना के संक्रमण काल के बीच मुंबई में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लक्षद्वीप और इसके आसपास के इलाकों में एक कम क्षमता वाले निसर्गा साइक्लोन के आने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह साइक्लोन बीते दिनों पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में आए अम्फान साइक्लोन जितना प्रभावी नहीं होगा। फिलहाल निसर्गा नाम के इस चक्रवाती तूफान के पूर्वानुमान के साथ मौसम विभाग ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात की सरकारों को अलर्ट किया है। विभाग ने यह भी कहा है कि इस साइक्लोन के प्रभाव से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग का कहना है कि साइक्लोन के प्रभाव से गोवा और कोंकण क्षेत्र के तमाम इलाकों में सोमवार से लेकर 4 जून तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुंबई में 3 जून से भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट भी दिया गया है। इसे देखते हुए विभाग ने मुंबई और इसके आसपास के हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।